आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन में आने वाले सभी सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। इस दिन भक्त के घर पर या मंदिरों में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं और शिव जी को विभिन्न प्रकार की सामग्री चढ़ाते हैं। जी हाँ, सावन सोमवार से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यताएं हैं। आपको बता दें कि व्रत जो होता है सावन सोमवार का, ये व्रत सूर्योदय से लेकर तीसरे प्रहर तक किया जाता है। इस दिन शिवलिंग का जल अभिषेक करना फलदायी माना जाता है। वहीं व्रत वाले जातक सुबह जल्दी उठ जाएं, पूरे घर की सफाई करके स्नान कर लें, मंदिर में शिव जी की मूर्ति के समक्ष सभी सामग्री लेकर बैठ जाएं, व्रत का संकल्प करें, शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजन सामग्री में जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत, मूली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, भांग, आक धतूरा, कमल, गट्ठा, प्रसाद, पान सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, दक्षिणा चढ़ाया जाता है। इस दिन धूप दीपक जलाकर कपूर से शिव जी की आरती करनी चाहिए। व्रत कथा सुने और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत को तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सोमवार व्रत में कुछ लोग मीठा खाते हैं तो कुछ नमकीन चीज़ों का सेवन भी करते हैं। नमकीन चीज़ों के लिए अक्सर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है। व्रत के लिए कई तरह की रेसिपी तैयार की जा सकती है, जैसे दही आलू रेसिपी, सौंठ की चटनी, कट्टू का डोसा रेसिपी, कट्टू की पूड़ी, व्रत वाला चावल ढोकला रेसिपी, साबूदाना खिचड़ी रेसिपी इत्यादि। जी हाँ, आप अपने सोमवार के व्रत में ये सब भी खा सकते हैं। तो आप बताएं कि आपका सोमवार का व्रत कैसा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट। न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।